नमस्कार भागवान भाइयों, भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। सीवियरली डिक्लाइन करता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी आप लोग जानते ही, कैल्शियम की बहुत सारी डेफिशिएंसी, बिटर की पिट की प्रॉब्लम, क्रैकिंग की प्रॉब्लम, स्किन फिनिश की प्रॉब्लम, पील डिसऑर्डर्स, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, कीपिंग क्वालिटी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं कैल्शियम के। अगर एप्पल स्पेसिफिक आपके एप्पल उसमें बात करें तो ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं ये आपको कैल्शियम रिलेटेड डिफिशियंसीज मानी जाती हैं। चाहे आपका कॉर्क स्पॉट है, बिटर पिट है, इंटरनल ब्रेकडाउन है, वाटर कोर है, स्कैल्ड है, सम स्कैल्ड है, ये सारे कैल्शियम रिलेटेड डिसऑर्डर्स माने जाते हैं। यहाँ पे अगर आप कैल्शियम का मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं, क्योंकि एप्पल में आप कैल्शियम केवल जमीन से डाल के भी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर सकते, और केवल फोलियर एप्लीकेशन करके भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। आपको दोनों तरीके से कैल्शियम को प्लांट के ऊपर देना पड़ेगा, जमीन में भी देना पड़ेगा और जो उसकी की स्टेजेस है वहां पे आपको फोलियर सपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो जमीन में देने के लिए आप लोगों को जो है यारा यारा लिबा नाइट्राबोर प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपका 14.6% नाइट्रोजन है। और यहाँ पे एक अगेन बहुत बेनिफिशियल चीज है इस प्रोडक्ट के अंदर कि इसका जो 14.6% नाइट्रोजन है तो उसका 13.5% नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट बेस्ड नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन जमीन के पीएच को खराब नहीं करता, कम नहीं करता है, पौधे को तुरंत उपलब्ध होता है, पौधे के ऊपर कोई विषैला प्रभाव नहीं डालता है और पौधे का प्रिफर्ड फॉर्म होता है, पौधा उसको लाइक करता है। तो इसमें जो 14.6% नाइट्रोजन है उसका 13.5% नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट नाइट्रोजन, 17.1% इसमें कैल्शियम है और 0.25% इसमें बोरान है। अगर इसके जो हम इस समय डलवाने की बात करते हैं, रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो इसका क्यों क्या काम करेगा, तो इसका काम जो है वो आपका रूट ग्रोथ और डेवलपमेंट है उस पे काम करेगा, क्योंकि इस समय जो स्प्रिंग फ्लश होता है यहाँ पे जो रूट ग्रोथ होती है उसके लिए फास्फोरस और कैल्शियम दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यहाँ पे वो कैल्शियम सप्लाई करके रूट ग्रोथ को इनहेंस करेगा, आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको, क्योंकि कैल्शियम सेल डिविजन, सेल डेवलपमेंट, सेल बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको स्ट्रेंथन करेगा, आपका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को जो है मैक्सिमाइज कराएगा, फ्लावर फ्रूट रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। आपका अगर कैल्शियम और बोरान आपने डाल रखा है तो आपका फ्लावर और फ्रूट जो ड्रॉपिंग होती है वो आप सिग्निफिकेंटली आप प्लांट के ऊपर इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। फ्रूट साइज और फ्रूट क्वालिटी को इनहेंस करेगा, ये जो डिसऑर्डर्स डिजीजेज होती हैं उनको मिनिमाइज करेगा, और फाइनली आपकी जो क्वालिटी है, फ्रूट फर्मनेस है, शाइनिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है, कीपिंग क्वालिटी है, उसको बढ़ाएगा। तो ये कैल्शियम जो है तीन बार हम लोग जनरली जमीन में डलवाने की बात करते हैं, तो बड ब्रेक के समय बात करते हैं, दूसरा आपका फ्रूट सेट के समय बात करते हैं, तीसरा हम आपको पोस्ट हार्वेस्ट जो एप्लीकेशन की बात करते हैं।